नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबके शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूं। आज मैं फिर से लेकर आई हूं आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी जो कि संबंधित है DOE के द्वारा जारी किए गए एक बहुत ही महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन अर्थात सर्कुलर से। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बताते हुए कि हमेशा की तरह सबकी शिक्षा ये जानकारी आपके लिए सबसे पहले लेकर आ रहा है। बहुत ही ईमानदार कोशिश है मेरी कि शिक्षा को घर घर पहुंचाया जाए, इसमें मैं आप सभी का सहयोग चाहती हूं। सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों, सगे संबंधियों, रिश्तेदारों को सबकी शिक्षा के बारे में बताएं ताकि शिक्षा के संबंध में जारी की जा रही सबकी शिक्षा के माध्यम से जो वीडियो है उनका सभी लाभ उठा सकें और सभी शिक्षा से संबंधित जानकारी का लाभ उठा सकें। बदले में आपको दुआएं भी मिले और ढेर सारा आशीर्वाद भी मिले। तो चलिए मैं जल्दी से आपको बता देती हूँ वे महत्वपूर्ण जानकारी जो DOE ने सर्कुलर के माध्यम से जारी करी है। तो जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि DOE ने जो दूसरी बार ऑनलाइन ड्रॉ करवाया था उसका रिजल्ट आ गया है और वह रिजल्ट कैसे देख सकते हैं वह भी जानकारी मैं सबसे पहले आपके लिए कल लेकर आई थी। आज उसके संबंध में जो सर्कुलर जारी किया गया है मैं उसकी जानकारी भी आपके लिए लेकर आई हूँ। सर्कुलर अंग्रेजी में है, मैं पूरी बात आपको हिंदी में बताऊंगी। इस सर्कुलर में साफ साफ शब्दों में कहा गया है कि इसमें वह निर्देश दिए गए हैं, वह गाइडलाइंस हैं जो उन बच्चों के दाखिले के लिए उनकी ज़रूरत पड़ेगी जिनका EWSDG कैटेगरी के तहत लिस्ट में नाम आया है। तो उसमें बताया गया है कि 2 दिसंबर को ड्रॉ हुआ EWSDG कैटेगरी के बच्चों के लिए जो खाली सीट्स बची थी 838 सीट्स, अब उनके दाखिले के लिए आप लिस्ट चेक कर सकते हैं www.edudel.nic.in वेबसाइट पर। और जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैं उनके रजिस्टर्ड मोबाइल पर SMS भी पहुंच गया होगा, लेकिन मैं आपको अपनी राय ध्यान देना चाहूंगी कि आप SMS के इंतजार में ना रहे, आप लिस्ट चेक करें। तो जिनका नाम दूसरी लिस्ट में आया है वे अपने बच्चों का, जिन बच्चों का नाम दूसरी लिस्ट में आया है उनके अभिभावक 21 दिसंबर 2020 जो कि है सोमवार तक अपने बच्चों का दाखिला जिन स्कूलों में उनका नाम आया है जो अलॉटेड स्कूल है उसमें ज़रूर करवा दें। और साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा है कि जो पूरा दाखिले का प्रक्रिया है वह हमने 29 फरवरी 2020 में जब अपना सर्कुलर जारी किया था उसमें थी, तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं थी। यदि आपके बच्चे का नाम दूसरी बार जो ऑनलाइन ड्रॉ हुए हैं उसकी लिस्ट में आया है, 838 चयनित विद्यार्थियों की लिस्ट में आपके बच्चे का नाम भी है, तो जिस भी स्कूल का नाम आपके बच्चे के नाम के आगे लिखा है आप उस स्कूल में जल्द से जल्द पहुंच जाइए। 21 दिसंबर 2020 दाखिले की आखिरी तारीख है, लेकिन आप 21 दिसंबर का इंतजार ना करें, आप जल्द से जल्द पहुंचे क्योंकि बहुत बार होता है स्कूल 1, 2, 3, 4 डॉक्यूमेंट मांगता है जो एक्स्ट्रा होते हैं, आपको चक्कर लगाने पड़ते हैं, कभी एक चीज़ लाइए, कभी दूसरी चीज़ लाइए, कभी ये लाइए, कभी वो लाइए, तो इसमें समय लग जाता है। अगर आप सोचते हैं एक दिन जाएंगे एडमिशन हो जाएगा तो ऐसा नहीं होता, एडमिशन में चक्कर लगाने पड़ते हैं 3, 4, 5 बहुत बार उससे भी ज़्यादा लगाने पड़ते हैं। तो आप जल्दी से जल्दी पहुंचिए ताकि स्कूल को आप बता सके कि हम दाखिले के लिए आए हैं और स्कूल को जो भी ज़रूरी कागजात चाहिए क्योंकि वे कागजात की जांच भी करते हैं, जांच के लिए भी उन्हें समय चाहिए होता है स्कूल वालों को, ताकि उन्हें कागजात की जांच के लिए भी समय मिले, उन्हें और कोई कागजात चाहिए तो वह कागजात लाने के लिए आपको भी समय मिले, इसीलिए जल्द से जल्द स्कूल पहुंचे। और उन सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई है, उन सभी के अभिभावकों को बहुत बहुत बधाई है जिनका इस लिस्ट में नाम आया है और जो इस लिस्ट के माध्यम से दाखिला लेने जा रहे हैं। उम्मीद करती हूँ जानकारी से आपको लाभ होगा। मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाजत दीजिए। नमस्कार।